पिछले डेढ़ महीने से घर से गायब हुए बच्चों को उनकी मां से मिलवाने में अहम भूमिका जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं सीजीएम मोहित अग्रवाल ने निभाई। सीजीएम के ऑफिस में जैसे ही मां ने अपने बच्चों को देखा तो माहौल गमगीन हो गया। आंखों में आंसू भरे रूंधे गले से मां ने अपने बच्चों को गले से लगा लिया। दरअसल दिल्ली के आजादपुर मंडी में ट्रेन में बैठकर दो बच्चे पानीपत के रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए थे और जीआरपी ने उन्हें शोधापुर अनाथालय भेज दिया था और बच्चों के माँ बाप को ढूंढने में कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। दिल्ली में ही इन बच्चों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज है। बच्चों को मिलने पर उनकी माँ ने सीजीएम का धन्यवाद किया है। ये करीब 15 दिन पहले मैं बाल अनाथालय सोंदापुर में गया था। वहाँ हम जाते रहते हैं मंथली विजिट्स करने के लिए, देखने के लिए कि बच्चों को सुविधाएं ठीक मिल रही हैं या किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। तो उस दिन जब हम गए तो ये दो बच्चे वहाँ पर मिले, एक 5 साल की लड़की थी जिसका नाम सपना बताया गया और एक 4 साल का लड़का था जिसका नाम करण बताया गया। अब क्योंकि वो बाल अनाथालय में नए बच्चे थे तो हमने पूछा भी कहाँ से आए हैं, तो उन्होंने कहा कि अभी इनके बारे में ज़्यादा नहीं पता लग सका, सिर्फ अपना नाम बताते हैं और कुछ इन्होंने ज़्यादा जानकारी नहीं दी है। तो मैंने कहा भी जैसे मैंने पहले काफ़ी स्टेट्स में बच्चे पहुँचाए हैं काउंसलिंग करके, तो इनको भी मेरे पास ले आओ और मैं इनकी काउंसलिंग करके देखूंगा कि शायद कोई इनपुट्स दे दें ये कि पता लग जाए मम्मी पापा इनके कहाँ हैं। तो अंदाज़ा लगाया कि जीआरपी में अगर मिली है ये बच्चे तो ज़रूर ट्रेन में चढ़ के आए होंगे। तो इनको पूछा कि ट्रेन में आए हो कि बस में आए हो, बच्चे इतने छोटे हैं इतने सेंसिटाइज नहीं हैं तो उनको नहीं पता लगा कि ट्रेन क्या होती है। तो उनको एक चलती ट्रेन मैंने अपने मोबाइल में नेट से खोल के कि चलती ट्रेन दिखाई, लाल लाल डिब्बे जब इन्होंने देखे चलते बड़ी ट्रेन के तो कह रहे हाँ जी ऐसी ट्रेन में बैठकर आए थे। तो अगर मम्मी सब्जी बेचती है और ये ट्रेन में बैठकर आए हैं तो अंदाज़ा लगाया कि आज़ादपुर मंडी जो दिल्ली है उसी के पास रेलवे स्टेशन है और वहीं से ये जरूर चढ़कर आए होंगे। तो कोशिश ये रखी कि आज़ादपुर मंडी में जाकर खुद और इनको बच्चों को वहाँ इनकी पेरेंट्स को ढूंढूं, लेकिन उससे पहले हमने नेट पे सर्च करके वहाँ पे सोचा कि शायद गुमशुदगी रिपोर्ट लिखवाई हो किसी ने, पता लग जाए यहीं से। तो वहाँ पे एक महिंद्रा पार्क पुलिस स्टेशन है, वहाँ का नंबर निकला, वहाँ पर बात करी, उन्होंने आज़ादपुर मंडी पुलिस पोस्ट का नंबर दिया, वहाँ पर बात करी तो उनको पता था इस मामले का, उन्होंने ये गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज करी थी। तो ये बात कन्फर्म हो गई कि इनकी मम्मी जो है वहाँ पर आज़ादपुर मंडी में सब्जी बेचती है। तो हमारा जो मकसद था मम्मी पापा को मिलाने का वो नज़दीक पहुँच गया था। तो उनको हमने ऐसे ही साहब को कहा कि अभी इनके घर जाकर इनकी जहाँ भी मंडी है सब्जी मंडी यशोदा से बात करवाइए इन बच्चों की, और हमने फ़ोटो व्हाट्सएप पे इन बच्चों की भेज दी पुलिसमैन साहब के मोबाइल पे, उन्होंने जाकर मम्मी को दिखाई, इन दोनों ने आपसी आइडेंटिफिकेशन कर ली। फिर इनकी मदर की कॉल आई जिसको सुनकर बच्चे भी रोने लग गए और उधर मम्मी भी रोने लग गई, और मम्मी तो इनकी रात को ही आने को तैयार थी लेकिन हमने कहा कि बच्चे अभी सुरक्षित हैं आप सुबह आ जाना। तो आज अभी करीब 3 बजे वहाँ से एस आई सूर्यकांत जो पुलिस पोस्ट आज़ादपुर मंडी से हैं वो आए हैं और इनकी मम्मी शोधाई है। तो इनका ये सीन जो है अभी इसको ये कहूँगा कि बच्चे किस तरह से अपनी माँ से लिपटे मिलते ही और किस तरह से माँ उनको मिलके रोई, ये बहुत ही एक बड़ा दिन है आज मेरे लिए भी, समाज के लिए भी, देश के लिए भी, जहाँ पर ये कुछ प्रयास करने से हुए बच्चे जो हैं वो अपनी माँ को मिले। आज़ादपुर मंडी भरोले में रहते हैं, मैं मंडी में सब्जी बेचते हैं, मजदूर आदमी हैं, 100-200 कमाते हैं, बच्चे पालते हैं, मेरे घर वाले नशे करता है, साथ नहीं देता अपना, वो अलग कमाता है खाता है रहता है। मेरे घर वाले के वजह से मेरे आज ये दिन देखने पड़ा। डेढ़ महीने से मैं भटक भटक के आंसू गिराते गिराते कहीं नहीं पता लगा, आज भैया की मेहरबानी हुआ तो मैं बच्चे से मिलन हुआ, मैं आज का दिन में मैं बहुत खुश हूँ। ये दिनांक 29/8 को मेरे पास आई थी कि मेरे दो बच्चे गुम हो गए कल, तो 28 तारीख को इनकी गुमशुदगी थी। मैंने इनके बयान पे मुकदमा रजिस्टर किया, केस FIR नंबर 284 है, 384/17 अंडर सेक्शन 363 के मुताबिक। इसके बाद मैंने जो हमारी तमाम कार्रवाई होती है WT मैसेज और उसका इश्तिहार शोरे गोगा वगैरह तमाम थानों में मैंने खुद जाके दिया था, और प्रयास में बाल गृह में, बाल सुधार गृह में, दिल्ली में हर जगह जाके मैंने खुद इनके बच्चों की बहुत तलाश की पर मुझे बच्चों का सुराग नहीं मिला। कल अचानक CGM साहब मेरे किसी साथी से बात कर रहे थे तो उन्होंने, उनके नॉलेज में नहीं थी ये बात, तो मैंने सुन ली, बच्चों का नाम सुना, बच्चों का नाम सुनते ही मैंने फ़ोन उनके हाथ से लेके मैंने फ़ोन अटेंड किया, CGM साहब से बात करी, तो CGM साहब को मैंने बता दिया जी ये मुकदमा मेरे पास है, बच्चे यहाँ से गुम है। और फिर CGM साहब ने
मेरे फ़ोन पे व्हाट्सएप पे बच्चों के फ़ोटो भिजवाए, मैंने मदर के पास जाके उनके घर जाके मदर को फ़ोटो दिखा दिए, बच्चों से बात करवा दी और हम आज बच्चे लेने के लिए यहाँ आए हैं। इस CGM साहब का मैं आपके थ्रू बहुत एहसानमंद हूँ, बहुत अच्छा काम किया इन्होंने,